भारत का संविधान भाग 17 राजभाषा अध्याय 1 संघ की भाषा अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 1 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों के रूप में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। दो खंड एक में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए इसके ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। 3 इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा क अंग्रेजी भाषा का या ख अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 344 1 राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। 2 आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को क संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए भिन्न हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग, ख संघ के सभी या किन्हीं शासकीय परियोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर बंधनों, ग अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं परियोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, घ संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट परियोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली अंकों के रूप में, अंग संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच एक या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करे। 3 खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं में संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। 4 एक समिति गठित की जाएगी जो 3 सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। 5 समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों का परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। 6 अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा।
भारत का संविधान अध्याय दो प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं अनुच्छेद 345 अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राजभाषा के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अनुच्छेद 346 संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी, परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 347 यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजनों के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाएगी।